बटर शाही की रेसिपी और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे हम 1.5 कटोरी मैदा लेंगे और नमक लेंगे एक चुटकी, 1/4 कटोरी और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। यह मिक्सिंग बाउल लेके अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लेंगे। अब हम घी अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। पहले देखिए मैदे में घी मिक्स हो गया है, देखिए ये बंध रहा है। अब हम इसको पानी डाल के एक बहुत ही सॉफ्ट डो लगाएंगे, लेकिन रोटियों वाला डो नहीं लगाएंगे हम, इसको सिर्फ फोल्ड करेंगे, बाइंड करेंगे, मतलब उसको बांधेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है और इसको अब हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढक के एक साइड में। अब हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाएंगे। इसमें 1 कटोरी चीनी और इसी कटोरी से हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसे बॉईल होने देंगे और थोड़ा सा हम इसमें कलर भी ऐड करेंगे। ये हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। अब हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक हमारी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी होगी, पतला नहीं रखेंगे और ना ही उससे ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे हम इसे। ये देखिए हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है, एक तार की चाशनी। आप हाथ में लगा के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने डो हमारा 20 मिनट हो गया है, देखिए बिल्कुल फॉर्म हो गया है। चलिए अब हम अपनी बालूशाही बनानी शुरू करते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और छोटे छोटे गोले बनाकर उसे शेप देंगे। यहाँ पे हम
उनके बीच में जो होल करेंगे वो आर पार करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से, इससे ना वो अंदर तक उसकी चाशनी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम तेल गरम होने के लिए रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही गरम करेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम नहीं चाहिए हमको तेल। ये देखिए मैंने इसमें एक दो का टुकड़ा डाला है और ये ऊपर नहीं आ रहा है, ये बैठा हुआ है। तो ऐसा ही तेल चाहिए हमारे को बिल्कुल। अब हम बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे और अपनी सारी बालूशाहियों को हम इसमें बिठा देंगे और फ्लेम को ऐसे ही रहने देंगे। बिल्कुल ठंडे तेल में ही मतलब ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं और इनको हमें बिल्कुल एक बार बिठाने के बाद ना छूना नहीं है। ये 2 से 3 मिनट लगेगा, इनका साइज़ डबल हो जाएगा। जब आपको खुद पता चल जाएगा साइज़ डबल हो जाएगा, उसके बाद हम हल्की सी फ्लेम को बढ़ाएंगे अगर हमारा तेल गर्म नहीं हो रहा है तो। नहीं तो हम इसी फ्लेम पर इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए ये फ्राई होने लगे हैं और इनका साइज़ भी डबल हो गया है। बस हमें चम्मच से ना इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनानी है। अभी हम इसे पलटेंगे नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही इसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए ये नीचे से थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है, हमने इसको पलटना शुरू कर दिया है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आराम आराम से एक एक पलटेंगे हम। ये देखिए गोल्डन होने लगे हैं, हमें ऐसे ही इसको दोनों तरफ से पलट पलट के गोल्डन करना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी है। अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए हमने अपनी बालूशाहियों को चाशनी में डाल दिया है। अब हम इन्हें चाशनी सोखने तक इसमें रखेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक रखेंगे और दोनों तरफ से पलट के इन्हें चाशनी सोखने तक इसमें रहने देंगे। ये लीजिए हमारी बालूशाही बनके तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी, और हेल्दी भी है टेस्टी भी है क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है। तो अब आप भी इसे घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।